का डिमांड था कि उसे चिकन खाना है, तो चिकन में सिर्फ और सिर्फ हमने जो है कलेजी मंगाई थी और कलेजी ही बना रहे हैं। चिकन में कोई भी चिकन पीस नहीं है, सिर्फ ये कलेजी है जो कि मेरे बेटे को बहुत पसंद है, उसका फेवरेट है। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं बनाती हूँ हमेशा, उसको इस तरीके का जो है चिकन बहुत पसंद आता है। तो बस चिकन बन गया है, रोटी अभी बनाऊँगी मैं थोड़ी देर में। गाइज तो गुड इवनिंग, कैसे हो गाइज आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं अभी इवनिंग में नहा धो के कपड़े चेंज करे हैं, क्योंकि आज मैं दोपहर में नहीं नहाई हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो अभी मैं उठ के नहाई हूँ, क्योंकि कल हम लोग लेट नाइट आए थे और काफ़ी थक गए थे। तो अभी मेरा इवनिंग का रूटीन स्टार्ट हो चुका है और अभी मैंने अपने कुछ प्लांटर भी चेंज किए हैं और अभी मैं बना रही हूँ। कितना बढ़िया मौसम है बाहर, बारिश होएगी पक्का। मिट्टी हटा दूंगी तो बारिश में गीली हो जाएगी। एक पन्नी में भर के रख देती हूँ। देखो बादल, देखो कैसा हो रखा है, देखो बादल बिल्कुल काला हो रखा है। पक्की बात है, देखो जहाज भी जा रहा है। देखा यहाँ से एयरपोर्ट पास है ना, तो जहाज वगैरह डेली जाते रहते हैं। और बहुत बढ़िया वाला मौसम हो रखा है और पक्की बात है बारिश होएगी होएगी। और मुझे बालकनी में आके ना इतना अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं, इस वजह से बालकनी में मैं जल्दी आती हूँ। तो अभी बना रही हूँ मैं चिकन एंड आटा मैंने लगा दिया है। आ गया धूल, आ गया भागो। तो मैं मिट्टी उठा के फेंक देती हूँ, नहीं तो बारिश में गीली हो जाएगी। और अभी मैं इवनिंग का काम जो है मेरा स्टार्ट हो चुका है और ये नहाने गए हैं, उसके बाद पूजा करेंगे। नहा चुके ये, उसके बाद करेंगे पूजा। और बस मेरा खाना पक गया है, चिकन पक गया है, आटा लग गया है। और आज दोपहर में हम लोगों ने कुछ नहीं खाया ना, तो हम लोगों को सबको भूख बहुत तेज की लगी है। तो फटाफट मैं रोटी बनाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं जो है मिट्टी उठाऊँगी और उसके बाद जाऊँगी अपने और भी काम करने हैं। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइज गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो आप सभी? तो यहाँ पे अभी मॉर्निंग का टाइम है, जल्दी जल्दी का मैं काम कर रही हूँ और ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। एक तरफ मैं ब्रेड के पकोड़े बना रही हूँ और दूसरी तरफ इस तरीके से मैंने आलू प्याज हरी मिर्च गोल गोल काट लिया है और इसमें सारे बेसिक मसाले मिला के तवे पे रख दूँगी। ये बहुत अच्छे से पक जाता है और ये सब्ज़ी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और आप चाहे तो इसमें बैंगन भी गोल गोल काट के इंक्लूड कर सकते हैं, बट मेरे पास नहीं था तो अभी मुझे जल्दी थी, तो इस वजह से मैंने ऐसे ही आलू और प्याज को तड़का लगा दिया है मसाले में मिक्स करके। ऐसे सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है और काफ़ी टेस्टी भी बनती है। और रोटी मैंने पहले ही बना लिया था, तो अभी निशु को ब्रेड पकौड़ा खाने का मन कर रहा था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही अभी नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे बेटे की तबीयत जो है ख़राब चल रही है, उसको काफ़ी ज़्यादा फीवर चल रहा है। हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इस वजह से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो ना तो हमें वैसे ही कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा खाने पीने में, सोने में, किसी चीज़ में भी मेरा जो है मन नहीं लग रहा है, मेरा जी नहीं लग रहा है। तो बस यही चाहती हूँ, भगवान से प्रे कर रही हूँ कि बस मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। दिन में ठीक रहता, शाम को उसको फिर से बुखार चढ़ जा रहा है। तो घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वही मैं दिखा रही हूँ कि मैं इतने सारे काम मेरे पेंडिंग रहते हैं ना, कि ऐसा लगता है कि पूरी वीडियो अगर शूट करो तो कम से कम 8-10 घंटे की एक वीडियो तैयार हो जाए, लेकिन पूरे दिन की वीडियो क्लिप आप 5-10 मिनट में देख के फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है दोनों बाथरूम साफ़ कर रहे हैं और मैं अभी अपने बेटे को हाथ मुँह धुला के इसको बालों में तेल लगा दूँगी। और जैसे ही मैंने इसको लंच कराया और दवाई वगैरह दिया, उसके बाद इसको फिर से बुखार चढ़ गया, तो इस वजह से हम जो है काफ़ी परेशान हैं। तो कल का हमारा अपॉइंटमेंट जो है फिक्स हो गया है। हम जो है हमेशा अपने बच्चे को अच्छे डॉक्टर को ही दिखाते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट ही कराते हैं। तो वो जो जिन डॉक्टर से मेरे बेटे का ट्रीटमेंट चलता रहता है, तो वो जो है अभी बाहर गए हुए हैं, 3-4 दिन के ट्रिप के लिए बाहर चले गए इमरजेंसी में। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैंने बहुत मुश्किल से कल का अपॉइंटमेंट लिया है और कल मैं दिखाऊंगी। मैं चाहती बस मेरा बेटा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो अभी उसने बोला कि मेरे को चाय बिस्किट खानी है, तो मैंने उसको एक चाय बिस्किट जो है
थोड़ी सी चाय बिस्किट खिला दिया था, कुछ खा नहीं रहा है उसको, कुछ अच्छा नहीं लग रहा अभी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे घर का अभी सुबह का मतलब कोई काम नहीं हुआ। ये नेक्स्ट डे का वीडियो क्लिप है और कोई भी मेरे घर का काम नहीं हुआ है। सुबह के 12 बज गए हैं, सिर्फ अपने बेटे के पीछे हमने अपना पूरा टाइम जो है दिया है और घर में कुछ भी नहीं हुआ, सब लिविंग रूम वगैरह सब फैला है। तो अब मैं वीडियो को रोक दूंगी और फटाफट जो है 15 मिनट में मैं अपने घर के सारे काम निपटा लूँगी। जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है ना, तो मैं अपने घर के सारे काम बहुत जल्दी जल्दी निपटाती रहती हूँ और मैं अपने घर के काम वगैरह भी जल्दी फिनिश कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा जो बाकी चीज़ों के लिए जो टाइम होता है ना, वो बच जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको वही बता रही हूँ कि अभी मेरे सारे रूम की क्लीनिंग जो है बाकी है और जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो क्लिप आपको दिखाई थी वो जो है इवनिंग की वीडियो क्लिप थी, जब मैंने अपने घर को पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया था। बहुत अच्छा वाइब्स आता है जब आपका घर सजा सवरा रहता है और आप जो है अपने एक मकान को घर बनाने में पूरा जो है मेहनत डालते हैं, पूरा एफर्ट डालते हैं। ये जो सारे काम होते हैं हम लेडीज़ों के ही होते हैं, क्योंकि हस्बैंड लोग तो बाहर चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। घर को कैसे सजाना है संवारना है वो हम लेडीज़ों के ऊपर जिम्मेदारी की तरह होता है। गाइस, तो गुड आफ्टरनून, और पूरे फंक्शन में आने के बाद से फंक्शन का दिन और पूरे आज तीसरा दिन है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ ना रात भर सो नहीं पा रहे हैं। सुबह के 5 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, क्योंकि निशु को कभी भी रात को तेज़ बुखार चढ़ जा रहा है, फिर दवाई दे रहे हैं, फिर उतर जा रहा है। तो हमने अपॉइंटमेंट ले लिया है और कल दिखाएंगे। तो मैंने अक्सर देखा है कि जब मैं कुछ ज़्यादा खुश होती हूँ या फिर अपनी कुछ खुशियाँ ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो एकदम से किसी की काली नज़र, बुरी नज़र ना हमारे घर के ऊपर आके पड़ ही जाती है। किसी ना किसी, कोई मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसा कान लगा के बैठा रहता है और हमारी खुशियाँ और हमारी जो है सारी चीज़ें, जब दुख होता है तब कोई भी नहीं सुनता है, लेकिन जहाँ खुशियाँ बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती है तो वहाँ कोई ना कोई ऐसे कान लगा के बैठा होता है, वो एकदम से हमारे घर में एंट्री कर जाता है। बुरी नज़र, बुरी शक्ति, जो भी कुछ कह लो, किसी की बुरी हाय कह लो, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोगों की बुरी हाय जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग मुझे देख के जलते रहते हैं और उनकी बुरी नज़र, उनकी बुरी हाय हमारे घर के ऊपर कसर भी करके लगी जाती है। तो चलो, अभी मैं एक काम करने वाली हूँ, सबसे पहले इन सब चीज़ों को यहाँ से हटाने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी यहाँ नहीं चाहिए। हो सकता है कुछ चीज़ें चेंज करने के बाद, कुछ चीज़ों की दिशा जो चेंज हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। और रात को मैं थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें बना भी रही हूँ और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने ये वाला हैंगिंग वाला प्लांटर बनाया है एक, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, और दूसरे साइड का भी मुझे बनाना है। ये सारी चीज़ें मैं खुद से कर रही हूँ। आप सबको पता है कि मैं जीरो कॉस्ट में DIY करती रहती हूँ। मेरे चैनल पे आपको DIY और स्टाइलिश वीडियो, स्टाइलिश टिप आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जिन लोगों को ऐसी वीडियो देखने में इंटरेस्ट है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाए। अभी मेरा गले में भी प्रॉब्लम है और मेरी बार बार नाक बंद हो रही है। निशु को भी खांसी जुकाम है, इस वजह से मेरे गले जो है बहुत ज़्यादा सूख रहा है। तो चलो, मिलते हैं थोड़ी देर में घर की काम करने के बाद, क्योंकि वीडियो के साथ घर का कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता है। 2 मिनट्स, और मैं यूं गई और यूं आई। जब मैं सांस लेता हूँ तब गला खुल जाता है, देखो अब अभी मैं सांस लूंगा। अच्छा कोई ना, ठीक हो जाओगे। कल का अपॉइंटमेंट मिल गया ना डॉक्टर का, आप ठीक हो जाओगे जल्दी से, ठीक है? डोंट वरी। तो निशु के लिए अभी चाय बना रही हूँ। कोई बात नहीं, आ जा, चलो इसी वाले रूम में लेटा दो, मैं बच्चा उठ भी नहीं पा रहा। आ जा, गोदी ले लो, चलो आराम से लेटो। चला रही हूँ, लो जी एसी चला दिया। आप नहीं, सारी लाइट नहीं जलाओ बेटा, बस करंट लग गया। चलो लेटो, लेटो, पट्टी रखो, लेटो लेटो लेटो। मम्मी, मेरा फोन लेकर आ रही हो।
तो निशु का बुखार शाम होते फिर चढ़ गया और उसको मैं फ़ोन दे के आती हूँ। ये रहा, ये लो मम्मी। तो बड़े मुश्किल से मैंने किचन के काम ख़त्म किए हैं। करने का मन तो नहीं कर रहा था मेरा, क्योंकि अभी बर्तन धुले हैं, बहुत सारे बर्तन थे, हालांकि आपने देखा ही होगा तो बहुत मुश्किल से धुले हैं। और निशु के यहाँ पे चाय भी बन गया है और उसको मैं चाय दे देती हूँ, क्योंकि उसको चाय मांग रहा है वो गरम। ये डोंगा धोना है और चौका भी धोना है। ये धोने वाली चीज़ों को मैं इधर रख देती हूँ। और पता नहीं गाइस वीडियो मैं शेयर करूँगी कि नहीं करूँगी। और शाम होते ही उसकी तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब हो जा रही है, रीज़न पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। तो चलो यहाँ पे चाय बन रही है और वो रहा मेरा कॉर्नर और ये रही मेरी लाइट, जिसे मैं वेट कर रही थी कि शाम हो तो आप लोगों को इसका एक्चुअल लुक दिखाऊं कि कैसा लगता है। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगर आप लोग बहुत महंगे झूमर में पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके का DIY बना सकते हैं। और मैंने दो झूमर बनाए हैं और यहाँ पे मैं कुछ, मेरा काम जो है प्रोग्रेस पे है, अभी चल रहा है। यहाँ पे मैंने इस बार कुछ अलग प्रोसीजर से काम करने की सोची है, तो इसलिए मैंने पहले मिरर को फोड़ के इस पे चिपका दिया है अच्छी तरीके से। ये साइड साइड में रह गया है, बट मैं चाहती थी कि कोने में मैं ज़्यादा मिरर ना लगाऊं, क्योंकि अगर बच्चे बच्चे का हाथ कोने मिरर है तो कोने में हाथ लगने से छिल भी सकता है, तो इस वजह से। तो ये एक लंबा डब्बा बना रही हूँ मैं टेबल, मतलब साइड पे रखने उखने के लिए। तो अभी निशु खेल रहा था अपने गाड़ियों से, टॉयज से, और अभी मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। ये रहा जो है मेरा यहाँ पे सेटअप, फाइनली फिर से मैंने कर ही दिया है, क्योंकि मुझे अपने एक बेडरूम को नीट एंड क्लीन रखना था। और ये मैंने कुशन कवर धोए हैं, इसका एक और पेयर था जो कि मुझे मिल नहीं रहा है। तो ये रहा मेरा फाइनल बेडरूम। ये देखिए थोड़ा सा पिलो इधर का उधर हो गया है, यहाँ पे मैंने सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया है। और ये रहा कुछ इवनिंग का लुक, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। और वो हवा से तो इतनी तेज़ भाग रहा था, तो और ये चद्दर वगैरह मैंने धो के, वाइट है तो मैंने अंदर ही डाल दिया है, क्योंकि मैं कपड़ों को बाहर नहीं डालती हूँ, यहाँ पे तूफ़ान बहुत ज़्यादा आता है। तो फाइनली फिर से मैंने अपने, मैं चाहती थी कि मेरा बेडरूम जो है ना नीट एंड क्लीन रहे, और दरवाज़ों पे से प्लास्टिक हट जाएगी, जैसे इस पे से हट गई है तो दरवाजे भी अच्छे दिखेंगे और खुदरे खुदरे से दिखते हैं ना, टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं उनको सही करूँ। और एक प्लांटर मैंने वहाँ पर लगाया है, दूसरी तरफ मैंने स्टैंड लगा रखा है, बस प्लांटर लगाने की देरी है। तो ये रहा, और ये भी बन जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। इसके लिए मैंने कुछ अलग सोचा है कि मैं क्या कुछ करूँगी, तो अभी इसके लिए थोड़ा सा भी टाइम है, मैं खाना वाना बनाने के बाद ही ये सारे काम करती हूँ। और ये रहा एक बोतल, जिसे मैंने इस तरीके से डेकोर किया है। और ये वाला तो मेरे को लगाने का मौका ही नहीं मिल रहा है, फ्रिज पे ही लगाना है, लेकिन कुछ सोच रही थी फ्रिज पे लगाने की, लेकिन बेटे की जो कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है, जिसकी वजह से मैं अब नहीं कर सकती हूँ। और उसका बुखार जो है AC में ही उतरता है। तो चलो चाय बना लेती फिर मैं।